सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। क्षमा चाहते हैं आज की बहुत ज्यादा लंबी देरी का। प्रॉब्लम ये क्या हो जाता है कि हम जब भी हॉस्पिटल में होते हैं, अकस्मात कभी से इमरजेंसी आ जाती है और हमें दौड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि किसी की जान लाइफ से ज्यादा जरूरी है और हम लाइव आते हैं, जिसे इंतजार करना आता है वो हमें लाइव पकड़ भी सकता है। तो आज हुआ क्या? आज हो गया एक बड़ा अजीब किस्सा। अभी जस्ट मैं लाइव होने वाला था और मैंने सुबह से कुछ डिसाइड नहीं किया था कि मैं किस चीज पे लाइव आऊंगा और क्या टॉपिक होगा, तो एकदम से हमारी माताश्री का फोन आया और माताश्री ने हमसे कहा कि बेटा बेटा घुटने के दर्द पे वीडियो बनाओ। मैंने क्या हो गया? कह रहे कि डिमांड आ रही है। मैंने कहां से डिमांड आ रही है? कह रहे ILBS हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहां हमारे भाई साहब काम करते हैं, बड़े बड़े भाई साहब, तो वहां से डिमांड आ रही है कि घुटने के दर्द पे वीडियो बनाओ। हमने कहा चलो लाइव करे देते हैं, हम लाइव करे देते हैं घुटने के दर्द पे। भाई घुटने का दर्द है अगर आपको, नी पेन है अगर आपको, तो उसको डायग्नोस कैसे करें? बात तो वही आती है ना, क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्यों क्यों दर्द होता है, उस पे वीडियो तो आएगा ही आएगा। लेकिन राइट, जैसे आर्थराइटिस का वीडियो ऑलरेडी है हमारे चैनल पे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का वीडियो ऑलरेडी है, ऑस्टियो आर्थराइटिस का वीडियो ऑलरेडी है, उन सब का है। घुटने कैस किस तरह से आपके लिगामेंट इंजरी होती है उसका ऑलरेडी वीडियो है, ट्रेडमिल से दौड़ना अच्छी है नहीं है उस पर इंजरी होती है उस पर ऑलरेडी वीडियो है हमारे चैनल पे। लेकिन जो घुटने के दर्द को डायग्नोस कैसे करें, अगर आपको घुटने का दर्द है तो आप क्या करें, ये बात आज हम करेंगे आपसे। राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट इट इन द लाइव सीरीज। सो देखिए, बहुत ज्यादा अति कॉमन चीज है घुटने का दर्द, और जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है कि घुटने का दर्द है सर जी, हमें बचा लीजिए, हमें दर्द हो रहा है, हम क्या करें, तो सबसे पहली चीज हम पेशेंट को देखते हैं कि क्या वो पेशेंट मोटा है, पतला है, उसकी उम्र क्या है। ठीक है, उसके हिसाब से आधा डायग्नोसिस सीधा सीधा बन जाता है। अगर पेशेंट मोटा है, अगर पेशेंट की उम्र ज्यादा है, पेशेंट का वेट ज्यादा है, तो उसके घुटने खराब हुए हैं ओवर यूज से। जब आपका वजन ज्यादा होता है तो ओवर यूज होते हैं आपके घुटने, क्योंकि वो उतना भार उठा के रोज चल रहे हैं। रोज अगर आपके घुटने इतना भार उठा के चलेंगे तो आपका भार ज्यादा है, घुटने भी वजन ज्यादा उठा के चल रहे हैं, तो ओवर यूज होंगे तो घुटने खराब होंगे, उसमें कम उम्र में आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पहली चीज हम देखते हैं भाई पेशेंट मोटा है क्या, दूसरी चीज उम्र क्या है। उम्र अगर ऑलरेडी आपकी एल्डरली है, आप 50-60 की उम्र के है, 60 की उम्र के, 70 की उम्र के है, तो उस उम्र में ऑलरेडी घुटने जवाब देने शुरू हो जाते हैं। जवाब देने का मतलब उनकी उम्र हो जाती है, जितनी जल्दी जल्दी बोन रीजनरेट बचपन में होती है, जवानी में होती है, मिडल एज में स्लो हो जाती है और ओल्ड एज में और ज्यादा कम हो जाती है, बोन रीजनरेट होती है। जी हाँ, आपके लिवर के जैसे, आपके बोन के, आपकी स्किन के जैसे, आपके बालों के जैसे, आपकी बोन भी रीजनरेट होती है। और जैसे उम्र में आप देखते हो कि आपके बाल झड़ गए, आपके बाल अब नहीं आ रहे, आपके चीजें कम आ रही हैं, आपके दांत टूट रहे हैं, आपके खाना जॉब नहीं हो रहा, तो बोन में भी तो गड़बड़ होगी, जॉइंट में भी तो गड़बड़ होगी। सो इस तरह से जॉइंट्स में, जॉइंट के जो उसके जो फ्लूइड है, जॉइंट का जो साइनोवियल फ्लूइड है, उस पर अलग से एक वीडियो है हमारा, इनकेस आपने नहीं देखा साइनोवियल फ्लूइड, उस पर जो आवाजें आती है उस पर वीडियो है, तो वो जाके देख सकते हैं। लेकिन बात ऐसी है कि अगर बुढ़ापा है तो हम सीधा ऑस्टियोआर्थराइटिस के तरफ जाते हैं, और ज्यादातर यही कारण होता है ओवर यूज, मिस यूज, उम्र या मोटापा। फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं, अगर मान लो छोटा है फिर भी, अगर बूढ़ा है तो भी एक ही मात्र डायग्नोसिस नहीं होता, और भी होते हैं, तो हम फिर सोचते हैं क्या वो किसी प्रकार का इंफेक्शन है। इवन अगर हमें पता है आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस का मतलब होता है कि जॉइंट के अंदर कार्टिलेज में गड़बड़ हो रही है और जॉइंट के अंदर की स्पेस या फ्लूइड कम हो रहा है, तो वो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, वो ऑटोइम्यून डिजीज है, उस पर अलग से वीडियो है हमारा, यूरिक एसिड के वजह से आर्थराइटिस हो सकता है। तो हम पूछते हैं आपने कभी यूरिक एसिड टेस्ट कराया है, यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हाई तो नहीं है, छोटे छोटे जॉइंट्स में पेन तो नहीं होता है, यूरिक एसिड में छोटे जॉइंट्स में पेन होता है, छोटे छोटे पैर के अंगूठे में पेन होता है ज्यादातर, ऐसा लगा तो फिर वही है, है कि नहीं, फिर यूरिक एसिड टेस्ट कराओ। लूपस आर्थराइटिस होता है, इंफेक्शन से, वायरल इंफेक्शन से आर्थराइटिस हो सकता है, तो वो भी पूछा जाता है, कहीं आपको कोई बुखार सर्दी खांसी इस तरह के कोई सिम्टम है या नहीं साथ में घुटने के पेन के साथ। इसके अलावा घुटने में इंफेक्शन, ऑब्वियसली बैक्टीरियल इंफेक्शन, वायरल इंफेक्शन, बैक्टीरियल इंफेक्शन हो सकता है,
एयर घुटने के अंदर सिस्ट हो सकते हैं, बेकर सिस्ट हो सकते हैं, तो उन सब चीजों को पकड़ने के लिए फिर पूछा जाता है कि कैसे दर्द होता है, कब दर्द होता है, चलने फिरने पे ही दर्द होता है, कहीं कोई चोट तो नहीं लगी थी, कहीं कभी गिर तो नहीं गए थे, एक्सरसाइज तो नहीं करते हो, जिम तो नहीं जाते हो, अगर जिम जाते हो वजन उठाते हो सकता है आपका पोस्चर खराब है, हो सकता है आप जिम जाके घुटने लॉक कर देते हो। जी हाँ, जब आप घुटने लॉक कर देते हो, आप समझ रहे हो ना, घुटने, ये घुटना है, ये नॉर्मल है, आप घुटना मोड़ भी सकते हो, घुटना है ना, लेकिन घुटना लॉक कर दिया, जब लॉक कर देते हो तो मसल पे से प्रेशर पूरा गायब हो जाता है, तब सीधा सीधा सारा भार आपके जॉइंट पे आता है, बोन पे नहीं, बोन से सीधा जॉइंट पे, जॉइंट पे सीधा सारा भार आता है, जो भी 50-100 किलो उठाया हुआ है जब घुटने लॉक कर दिया ना, तो वो हड्डी पे जा रही है सारा प्रेशर, दैट इज रॉन्ग। उस समय जब पूरे भार के साथ हड्डी ऐसे ऐसे हिलती है, ऐसे ऐसे हिलती है, तो डैमेज होता है, तो डैमेज होता है। इसीलिए मैंने अपने वीडियोस में भी बताया है, नेवर लॉक योर नीज। घुटने बचाने हैं तो घुटनों को लॉक करना कम से कम कर दो, ऐसा है, नेवर लॉक योर नीज तो पॉसिबल नहीं है, लॉक तो हो ही जाते हैं, जरा सा ध्यान गया लॉक हो जाएंगे, ध्यान दोगे तो, ध्यान नहीं दोगे तो, बाकी कोशिश करनी चाहिए कि लॉक ना करें। उसके अलावा अगर चोट लगी है, अगर मान लीजिए आप खेल कूद में है, फुटबॉल प्लेयर है, जो भी है, आपने कभी उल्टा सीधा खेल लिया, कभी मोच से गिर गए, कभी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, कभी कुछ हो गया, तो इंजरी हो सकती है, घुटने के अंदर लिगामेंट टूट सकता है, आपका मिनिस्कस टियर हो सकते हैं, घुटने के अंदर मिनिस्कस होते हैं, लिगामेंट होते हैं, वहां पे जॉइंट कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज इंजरी हो सकती है, एक्चुअल पटेला फ्रैक्चर, घुटने के ऊपर का चिप फ्रैक्चर हो सकता है, घुटना फ्रैक्चर हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो अच्छी बात क्या है कि ये सब ना भी हो तो भी सिर्फ स्प्रेन भी हो सकता है, स्प्रेन या स्ट्रेन, उस पर भी मेरा एक वीडियो है, स्प्रेन एंड स्ट्रेन बाय डॉक्टर एजुकेशन, वो फिटनेस एंड न्यूट्रिशन चैनल पे है, आप जाके देख सकते हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि घुटने के केस में टेस्ट ज्यादा नहीं करने पड़ते। टेस्ट क्या आते हैं, नंबर वन टेस्ट भैया एक्सरे कराओ, सीधी सीधी बात है, घुटने का बेसिक चीज है, पहले एक्सरे कराओ, एक्सरे कराया जाएगा, एक्सरे में पता चल जाएगा मोटी मोटी चीजें, आर्थराइटिस फ्रैक्चर ऐसी चीजें तो नहीं है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, यानी लिगामेंट है, मिनिस्कस है, या कार्टिलेज डैमेज है, तो उसके लिए MRI की जरूरत पड़ेगी, MRI घुटने का पता चलता है, कई बार CT स्कैन भी एक अवॉइड किया जाता है, कई बार घुटने से फ्लूइड पानी निकाल के उसकी जांच की जाती है, फ्लूइड एस्पिरेट करके उसका टेस्ट, उसके कल्चर, उसके एग्जामिनेशन की जाता है, देखने के लिए कि घुटने में कहीं TB तो नहीं हो गया। जी हाँ, घुटने में TB भी हो सकता है, घुटने में बोन के इसमें कभी कैंसर भी हो सकता है, सो वो गांठ मिली, जांच मिली, तो गांठ की जांच हो, तो बात समझ रहे हैं कैसे जांच होती है, एक्सरे किया उसमें कुछ दिखा, फिर आगे जांच किया उसमें कुछ दिखा, या कुछ नहीं दिखा तो और जांच करी, और अल्टीमेटली हमें देखना होता है कि क्या लग रहा है, और आपको देखना होता है कि कब डॉक्टर के पास जाना है। हर एक घुटने का बीमारी मेनली खतरनाक नहीं होती, कई बार घुटने में दर्द प्लेन सिंपल थकावट से भी होती है, थक गए, आराम नहीं किया, पूरे दिन खड़े हैं, घुटने में दर्द हो रहा है, पानी कम पी रहे हैं, घुटने में दर्द हो रहा है, कैल्शियम विटामिन की कमी है, घुटने में दर्द हो रहा है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, घुटने में दर्द हो रहा है। बच्चों के घुटने में दर्द आर्थराइटिस की वजह से थोड़ी होगा, उनके वजह से होगा क्योंकि वो खाना नहीं खाते, वो प्रोटीन नहीं खाते, खाते हैं तो क्या खाते हैं, मैगी खाते हैं, इस वजह से दर्द होगा। तो ये सारी चीजें हो सकती है, राइट। सो घुटने में दर्द हो सकता है डिहाइड्रेशन से, विटामिन डेफिशिएंसी से, इन्फेक्शन से, बाकी सारी लिस्ट हमने बता दी है। सो हम एक तो ओवरऑल पेशेंट देखते हैं, दूसरा कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं, और तीसरा टेम्पररी इलाज करते हैं। अगर टेम्पररी इलाज, यानी कि आपको टेम्पररी इलाज करना है, RICE, रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन, अगर घुटने में सूजन है, चोट लगी है, तो ये पहला इलाज है। वैसे भी आप ये कर सकते हो, घुटने को रेस्ट दो, घुटने पे बर्फ लगाओ, घुटने को एलिवेट करो, एलिवेट मतलब तकिया रखो रात को सोते समय छाती के हार्ट लेवल के ऊपर, और उसके ऊपर कुछ पट्टी बांध के रखो, इन सब से घुटने में आराम मिलता है, उसको सपोर्ट मिलता है, उसको बेटर होते हैं। उसके अलावा अगर आपको बहुत ही दर्द है, चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है, तो पेन किलर्स ले सकते हैं, उसके साथ कई बार टेम्पररी पेन किलर, ज्यादा पेन किलर लेना भी इंपॉर्टेंट अच्छी बात नहीं है, उससे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, गैस की प्रॉब्लम, ये वो ये, पेन किलर्स में ब्रूफिन, नेप्रोक्सिन, पैरासिटामोल, क्या नाम है, अल्ट्रासेट, कुछ भी ऐसे पेन किलर ले सकते हैं, वो आपको आपके कोई भी डॉक्टर दे देंगे, या खुद से भी कभी कभी ले सकते हो। रोज लेना पड़ रहा है तो डॉक्टर के पास जाओ, टेस्ट कराओ, बीमारी जड़ से खत्म नहीं करता पेन किलर सिर्फ पेन से आप काम धंधे कर पाओ अपने, वो उतना हो जाता है। फिर आपको ध्यान देना है कि
कैसे उससे बचें घुटने की बीमारी से। जब भी एक्सरसाइज करते हो वार्म अप करो, जब भी एक्सरसाइज करते हो पोस्चर कंट्रोल में रखो, सीढ़ी चढ़ के आते हो, सीढ़ी चढ़ना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान देना, सीढ़ी उतरते समय, उतरते समय घुटने पे जर्क बहुत ज्यादा आते हैं, दौड़ दौड़ के उतरो मत। आप पहाड़ से उतरना तो बहुत ही मुश्किल चीज होती है, उसमें धीरे धीरे चलो, उसमें घुटने बचते हैं। या जवान आदमी कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लंबे बुढ़ापे में आपको असर पड़ेगा, चोट चाट लग सकती है, राइट। रनिंग की जगह अगर आपको एक्सरसाइज करना ही है, घुटने की बीमारी है, तो साइकिल चलाओ, साइकिलिंग बेटर है, और या स्विमिंग करो। अगर घुटने की बीमारी है, आर्थराइटिस है, पतले होना है, मोटे हैं, तो क्या करें सर, चल ही नहीं सकते, ये मत बोलना। साइकिल चलाओ या स्विमिंग करो, ठीक है, या लेटे लेटे एक्सरसाइज करो, पर करो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। और वजन कम करो, अगर मोटे हो तो वजन कम करना है, हजारों वीडियोस हैं यूट्यूब पे, हमारे खुद के 25 वीडियो होंगे वजन कम करने पे। इंपॉर्टेंट है आपको बेसिक समझना, वेट लॉस बाय डॉक्टर एजुकेशन वीडियो देखो, आपको बेसिक समझ जाएगा घुटने की बीमारी से कैसे बचना है। आर्थराइटिस है, घुटने घस रहे हैं, तो उसका लेवल देखना होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, हड्डी से हड्डी रगड़ रही है, तो टाइम आ गया है घुटने बदलने का। और थोड़ा बहुत गैप है तो फिर उसमें इंजेक्शन लगा के साल, दो साल, तीन साल, पांच साल आराम से चल जाएंगे घुटने। और आपको ध्यान देना है कि आप उसको और खराब ना करो, कईयों में वो लंबे समय तक चल जाता है, जब तक उम्र है, जब तक काम चल रहा है, चल जाता है। तो ये हिसाब किताब है, बेस्ट डॉक्टर घुटने के हैं ऑर्थोपेडिशियंस। तो ये हुई बात दोस्तों घुटने की। अगर कोई लिगामेंट टियर है, अगर कोई मिनिस्कल टियर है, तो टियर पे देखा जाता है, पार्शियल टियर है, थोड़ा सा फटा है, थोड़ा सा इंजरी है, तो चल जाएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत हील हो जाए, स्प्रेन स्ट्रेन हील हो जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा टियर है, फटा है, टूटा है, तो उसको ऑपरेशन यानी कि प्रोसीजर की ज़रूरत पड़े। तो ये हुई बात घुटने की। अब आपके फट फट सवाल ले लेते हैं, आई होप आप लोगों के सवाल भी आए हों, आई होप आप लोगों के सवाल देख लेते हैं, किस किस के क्या क्या सवाल आए हैं। सवाल थोड़े से यहीं से ले लेते हैं, छड्डो कौन जाऊगा इत्थे पुथे की करना, अच्छा आते गया हुआ। चलो सवाल नंबर 1 लाइव, एलोवेरा जेल मॉइस्चराइजर की तरह यूज कर सकते हैं, कुछ खराब होता है? नहीं, यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यूज कर सकते हैं। वीडियो आ सकता है क्या टन पर? टन टैन पर, टैन पर वीडियो आ सकता है, आ जाएगा, डोंट वरी, आज नहीं तो कल। हाँ, धूप में टैन, गुड क्वेश्चन, गुड गुड गुड, आ जाएगा, आ जाएगा, डिमांड है, डिमांड है। हाउ टू क्योर पाल्पिटेशन, ऑल टेस्ट आर नॉर्मल, सफरिंग एंजाइटी, यू हैव एंजाइटी भाई साहब, पाल्पिटेशन, यू हैव एंजाइटी, एंजाइटी के लिए एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज, एंजाइटी बाय डॉक्टर एजुकेशन वीडियो देखो, आई हैव एक्सप्लेन हाउ इट ट्रीट्स पाल्पिटेशन, साइड इफेक्ट ऑफ एक्सेस ऑफ विटामिन B12, एक्सेस ऑफ विटामिन B12 गेट स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, थोड़े टाइम के लिए, बट इट गोज अवे। सो मेजरली इसके कोई बहुत मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं होते, और लेकिन B12 इज नसों के लिए दिक्कतें होती हैं अगर उसकी डेफिशिएंसी हो। बाकी इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा मैं, उसमें साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे, अभी तुम्हें कोई याद नहीं आ रहा, इसके खास कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाउ टू गेट रिड ऑफ एग्रेसिव एंग्रीनेस, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, गुड स्लीप, अ लॉट ऑफ वाटर एंड रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो, हाँ कौन? यशोदा हॉस्पिटल में आना है भाई साहब, यशोदा हॉस्पिटल नेहरू नगर गाजियाबाद, और उसमें आके आप हॉस्पिटल के अंदर आइए और हमें फ़ोन करिए, हम आपसे ले लेंगे, ठीक है? थैंक यू। खाना मंगाया यार, खाना भी खाना पड़ता है पापी, पेट का सवाल है, सवाल क्या मंगाया मत पूछना। नोज ब्लीडिंग इन समर, नोज ब्लीडिंग होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसका। देखिए अब ये प्रॉब्लम हो गई है कि ना वो ऊपर चला गया, मैं ले रहा था, लेते लेते ऊपर चला गया, एनीवे सॉरी फॉर दैट। आप प्लीज़ घुटने के ऊपर सवाल पूछिए, नोज ब्लीडिंग समर में होती है, कई बार वो नोज पिकिंग से होती है, ये भी अच्छा सवाल है, इस पर भी वीडियो आएगा। कृपया करके ये वाले टॉपिक का मेरे को वो कर दो, मैसेज रिमाइंड कर देना, नए वीडियो पे कमेंट कर देना, फर्स्ट सेकंड मेरे को याद आ जाएगा, अच्छा टॉपिक है नोज ब्लीडिंग और वो। एनीवेज आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। स्टमक पेन ऑलवेज, ये स्टमक पेन पे वीडियो आएगा, एब्डोमिनल पेन का टोटली अलग वीडियो है ऑलरेडी, राइट। एनीवेज मैं ढूंढ रहा हूँ अभी बोन पेन या फिर घुटने पे पेन के, घुटने पेन पे सवाल पूछिए जनाब। क्या गाड़ी का क्लच चलाते समय घुटने में पेन दर्द? बिल्कुल होता है, तालियां बजनी चाहिए इंसान के लिए, ब्लॉगर राठी के लिए,
दिल्ली जैसे शहर में गाड़ी चलाते हुए घुटने में दर्द होता है लेफ्ट वाले में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये देखना जरूरी है भाई साहब। ये अगली बार से मैं तो देखूंगा भाई कहाँ है गाड़ी चलाते हो, कौन सा गाड़ी चलाते हो या ड्राइवर है तुम्हारे पास, दिल्ली में गाड़ी चलाते हो फिर तो तुम्हारे घुटने में दर्द होगा, बिल्कुल होगा भाई। एक काम करो, प्रिस्क्रिप्शन में लिखा जाएगा, क्या नाम है उसका, क्लच फ्री वाली गाड़ी, ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदो क्योंकि तुम्हारा क्लच से खराब हो रहा है घुटना। सो ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदो भाई साहब, ठीक है, बेच दो अपनी गाड़ी और क्या, या फिर ड्राइवर रख लो टैक्सी में जाओ, लेकिन और क्या कर सकते हैं। सर दिस इज हेल्पफुल, गुड गुड, हेल्पफुल टू वेयर नी ब्रेसेस विथ मेटल स्ट्रिप्स। नी ब्रेसेस विथ मेटल स्ट्रिप्स नहीं, इसका क्या लेना देना। देखिए नी ब्रेस इंजरी में काम करेगा, अगर नी इंजरी हो रही है या आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसमें हो सकती है पोटेंशियल, तो नी ब्रेस काम करेगा, वरना इसका कोई काम नहीं। कायदा कहता है नी अपने आप में बड़ी स्ट्रांग है, आपको उसको स्ट्रांग रखना है उसका सही इस्तेमाल करके। नी अगर ऐसे ऐसे हिलती है तो ऐसे ऐसे हिलाना है, उसको ऐसे ऐसे नहीं हिलाना है, राइट, उस पर साइड से, तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, सही इस्तेमाल करें, सही एंगल पे प्रेशर आए, सही एक्सरसाइज हो। वो तो भाई भागे सही जूते पहन के, कभी ऐसे पैर आ रहा है कभी ऐसे पैर आ रहा है, तो वो तो भाई गड़बड़ होगी होगी, है कि नहीं। घुटनों में साउंड क्यों आता है, इस पर फुल डेडिकेटेड वीडियो है आज अक्षय जाधव जी, आप पॉपिंग नी, पॉपिंग बाय पॉपिंग नी वीडियो देखो, बेसिकली गैस है पॉप करती है। मुझे पता है कई लोग कहते हैं ऐसे घुटने खराब हो जाते हैं, जाके वीडियो देखो आपको समझ में आएगा, नहीं होते, ठीक है, और कब कब प्रॉब्लम होती है वो देखो। ओके सर मुझे नी पेन है बहुत दिनों से, चलने में उठने बैठने में बहुत पेन होता है। भाई साहब आप ही के लिए वीडियो बनाया है, ऊपर से नीचे तक वीडियो देखो, उसमें बताए गए टेस्ट कराओ और एक्सरे करके ऑर्थोपेडिशन को दिखाओ। यूरिक एसिड, एक्सरे, आरए फैक्टर, विटामिन डी, ये सारे टेस्ट होते हैं, विटामिन B12 भी होते हैं और ESR, CRP, CBC ये भी होते हैं, ठीक है, है ये सब भाई साहब राज जी के नॉर्मल है, लेकिन फिर भी हल्का हल्का पेन है। तो फिर कारण क्या बचा, पानी कितना पीते हो, इस्तेमाल कितना करते हो, गाड़ी तो नहीं चलाते, क्लच तो नहीं यूज करते है, खड़े तो नहीं रहते बहुत देर तक घुटने लॉक करके, सोचो सोचो सोचो, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो पेन है, आपकी बॉडी पागल नहीं है, आपको साइन दे रही है, ठीक है, बस आपने अभी पकड़ा नहीं। और डॉक्टरों के पास बड़ी बड़ी बीमारियों की जगह छोटी छोटी चीजों के लिए टाइम नहीं है भाई साहब, जब तक आपका घुटना रिप्लेस होने तक खराब नहीं होगा आप मत आइएगा, ऐसे बोल देंगे डॉक्टर जाओ जाओ घर जाओ तुम्हें कुछ नहीं है, है कि नहीं। वो नहीं देखेंगे कि तुम पानी कितना पीते हो, तुम खड़े तो नहीं रहते, उससे क्या लेना देना उनको, कोई लेना देना नहीं है, होना चाहिए बट वो एजुकेशन में आता है, वो यहां हो रहा है वो वहां नहीं होगा, वो आप ऑर्थोपेडिशियन के पास जाओगे घंटा भर बैठ के समझाएगा नहीं वो, या आधा घंटा के 5-10 मिनट भी नहीं समझाएगा, है ऐसी दुनिया, क्या कर सकते हैं भाई, मैं थोड़ी बदल सकता हूं, कोशिश चल रही है बदली तो बदली देखो। अच्छा नी का बेस्ट चेकअप, नी का बेस्ट चेकअप नहीं होता है, नी एग्जामिनेशन होता है, वो ऑर्थोपेडिशन करते हैं, उसकी रेंज ऑफ मोशन देखते हैं, रेंज ऑफ मोशन पे पेन तो नहीं है वो देखते हैं, जनरल ब्लड टेस्ट में देखते हैं, बॉडी में इन्फ्लामेशन के साइन तो नहीं है, इन्फेक्शन के साइन तो नहीं है, या जो विटामिन डेफिशिएंसीज तो नहीं है वो देखते हैं, जनरल हेचअप एंड नी एग्जामिनेशन, दैट्स इट, और कोई खतरनाक चेकअप नहीं है, एक्सरे करा के देख सकते हो वो भी हमेशा नहीं, जरूरत है तो, क्योंकि एक्सरे से आपको रेडिएशन एक्सपोजर होगा, यानी कि रेडिएशन ले जा रहे हो और साइड इफेक्ट हो जाएंगे फालतू में, राइट। व्हेन आई ट्राई टू रन मोर आई कैन गेट अ लिटिल पेन इन द बैक थाइज एंड अ बिट ऑफ साइड्स इन द नीज, अगेन इट्स पॉसिबल यू आर रनिंग विद कोई पोस्चर खराब है, कोई डेफिशिएंसी है, ये सब कारणों को देखो, राइट, खासकर विटामिन डी और B12 और पानी, ये बहुत कॉमन रीजन है, वाटर पानी ठीक से नहीं पीते, विटामिन डी सही नहीं है बॉडी में, B12 की कमी है, हड्डियां कमजोर है, बोन मिनरल डेंसिटी करी तो बोन गल रही है, ये प्रॉब्लम्स होती हैं, कईयों में होती हैं, राइट। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन वीक हो जाना, इसी को ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, बोन में मिनरल्स नहीं है, कैल्शियम नहीं है, आप विटामिन डी कम है तो कैल्शियम बोन से निकल रहा है, बोन से निकल रहा है, हड्डियां खाली हो रही है, गोदाम खाली हो रहा है आपका, ये होता है बोन्स पर यानी एक्स्ट्रा बोन ग्रो हो जाए, कभी कभी एक बोन के ऊपर एक बोन निकलती है, राइट, ऐसे करके बोन्स पर होता है वो अलग, उसके अलग साइड इफेक्ट्स है। व्हेन आई गो टू स्टेयर्स फ्रॉम बॉटम टू अप माय फुट घुटना पेन्स नाउ, ये एक अर्ली साइन है आदिल जी ऑफ इंजरी,
या तो इंजरी है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपको चेकअप कराना चाहिए इस केस में, बिल्कुल कराना चाहिए। या तो इंजरी हो रही है, इंजरी हो चुकी है उस वजह से पेन होता है, कई बार क्या होता है एक छोटा मोटा मिनिस्कस, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ कई बार क्या होता है एक छोटा मोटा मिनिस्कस टियर हो गया, कोई लिगामेंट टियर हो गया, उसके चलते पेन हो रहा, आपको पता नहीं चला कब इंजरी, आपको चोट लगी आपने छोड़ दिया, हट कोई बात नहीं, होता रहता है कि नहीं, कई बार होता है ना चोट लगी, मैं ठीक हूँ, गिर गए, मैं ठीक हूँ, लेकिन वो ठीक हूँ आपको आधे एक साल तक तंग करता रहता है, यार पेन हो रहा, पता नहीं क्यों पेन हो रहा, राइट। वो माइनर इंजरीज होती हैं, उस केस में सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, स्प्रेन, स्ट्रेन, लिगामेंट, मिनिस्कस, इस तरीके की इंजरी ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऑलराइट, तो क्या करें, एमआरआई कराना पड़ सकता है, एक बार ऑर्थोपेडिशन से जाइए, वो क्या करते हैं जैसे उसमें ना, मान लो घुटना है, ये घुटना है, मान लो घुटने को ऐसे दबाया तो इस इधर, ऐसे दबाया इधर, इधर नीचे दबाया तो इस वाले लिगामेंट पे इंजरी होगी तो दर्द होने लगेगा, आ आ मतलब ये लिगामेंट देखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ऐसे टेस्ट होते हैं, यहां से ऊपर दबाया तो यहां पेन होने लगा, आ, आ तो फिर वहां दर्द हुआ, अगर सीधा सीधा दबाया और मिनिस्कस है अंदर घुटने के बीचों बीच, सीधा सीधा दबाया तो वहां दर्द हुआ। तो ऐसे टेस्ट होते हैं जो घुटने के ऑर्थोपेडिशन करते हैं और अंदाजे में लगाते हैं कि आपको कौन सी जगह क्या प्रॉब्लम होगा। यही टेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट भी करते हैं, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ या ऑर्थोपेडिशन के पास जाओ, वो बताएंगे बेटा आगे क्या करना है, ठीक है नहीं। ओके, इफ यूरिक एसिड इज इंक्रीज व्हाट आर द मेजर इफेक्ट्स। यूरिक एसिड बाय डॉक्टर एजुकेशन, यूरिक वीडियो है मेरा बढ़िया वाला, आप जाके देखिए, उसमें पूरा समझाया हुआ है। यूरिक एसिड बाय डॉक्टर एजुकेशन टाइप करिए। एज तो है 20 साल की, क्लच से होता है, बिल्कुल होता है, क्लच से होता ही होता है। उसके लिए एक और तरीका है, जब खाली जगह पे जाओ, बताता हूं तरीका, खाली जगह पे जाओ और हील से क्लच दबाने की प्रैक्टिस करो। मैं खुद करता हूं ऐसा, मैं भी दिल्ली में रहता हूं भाई साहब, मुझे पता है तुम पे क्या गुजरती है, इसलिए हम जब जाम में फंसते हैं ना तो ऐसे आगे से तो क्लच दबाते ही दबाते, साथ में हम ऊपर पैर रख के हील से भी दबाते हैं, तो उससे क्या होता है, आराम हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। वो मैं अपनी प्रैक्टिस की हुई है, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ आप ऐसे करो, क्योंकि वो हर एक को प्रैक्टिस नहीं होती, तो आप अपनी प्रैक्टिस करो पहले और फिर ऐसे इस्तेमाल करो, ठीक है ना, नहीं तो प्रिस्क्रिप्शन ले जाओ ऑटोमेटिक गाड़ी लेने की, ठीक है। एज 60 एज है, नी पेन है, हाउ टू सॉल्व, ओनली नी पेन। 65 पे आपको एक्सरे कराना पड़ेगा अल्तीफ शाह जी, 65 पे ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, चाहे माइल्ड हो मॉडरेट हो, वो पता करिए और उसके हिसाब से सप्लीमेंट्स, मेडिकेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस, ये तीनों, आर्थराइटिस वाला वीडियो मेरा जाके देखिए, उसमें लाइफस्टाइल चेंजेस बताए हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले में भी लाइफस्टाइल चेंजेस बताए हैं, सप्लीमेंट्स, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12, इन सब के, ग्लूकोसामीन, ये सब सप्लीमेंट्स आप किसी भी ऑर्थोपेडिशन से जाके लिखवा सकते हैं एक बार में, बात खत्म। बहुत ज़्यादा है दिक्कत तो उसमें इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, घुटने के अंदर स्टीरॉयड के इंजेक्शन भी लगते हैं, घुटने के अंदर हायलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन भी लगता है, आजकल PRP का इंजेक्शन भी आ गया है, PRP बहुत अच्छा काम कर रहा है, जी हाँ बिल्कुल, हमने खुद अपनी फैमिली में लगाए हुए हैं, हमारी माता जी को भी PRP लगा हुआ है हमारी, तो हमको पता है, राइट। फॉर रिलीफ और नी पेन, हॉट और कोल्ड पैड शुड बी यूज। ओके, कोल्ड पैड शुड बी यूज, अगर इंजरी हुई है तो कोल्ड पैड यूज करना है, बहुत सिंपल सी चीज है, अगर वहां पर इंजरी है तो कोल्ड पैड यूज करना है, अगर मसल पेन है, मसल मस्कुलर पेन है, मस्कुलर स्पाजम है, तब हॉट काम करता है, वरना नहीं, ठीक है। इंजरी हुई है, सूजन है तो कोल्ड, नो डाउट। ओके, फी एक्सरे में बोला कि कार्टिलेज कम हो गया है, बोन पतला पटना हो गया, दवा पर ठीक नहीं हो रहा, ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स हो गए हैं, दर्द है हमेशा रहता है। देखो आप डॉक्टर से बात कर रहे हो, ऑलरेडी बोल रहे हैं कार्टिलेज कम है, बोन पतला हो रहा है, बोन मिल रहा है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा, या तो इंजेक्शन लगवा लो, डॉक्टर से बात करो कि घुटने बदलने का टाइम आ गया है कि नहीं आया है, राइट। नी रिप्लेसमेंट कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आजकल सब कराते हैं, और ये एक तरीके से वो है कि गाड़ी का मान लीजिए कोई चीज़ खराब हो, आजकल तो हार्ट रिप्लेस हो जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है, लिवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, अभी तो दिमाग की भी बात चल रही है, तो नी कौन सी बड़ी चीज़ है यार, घुटना कोई बड़ी चीज़ नहीं, घुटना रिप्लेस हो जाता है, दो मिनट तो नहीं लगते, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बट लगता है, हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील, घुटने की लाइफ रहती है अच्छी, आजकल लंबी लाइफ वाले भी आ गए हैं, अच्छा 10-15-20 साल ऐसे अलग अलग लाइफ होती है,
किसी की 25 साल की लाइफ होती है, वो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है कि आपके हिसाब से कौन सा घुटना आप में लग रहा है नकली वाला, ठीक है ना। जैसे आंख है, आंख का तो आप बिना सोचे करा लेते हो ना, कैटरेक्ट का ऑपरेशन, जब दिख ही नहीं रहा तो क्या करोगे, यहां वहां सर मारोगे, और अगर चल ही नहीं रहे, अगर चल ही नहीं पा रहे हो घुटने से तो क्या करोगे, बैठे बैठे बीमार होते जाओगे, तो इसलिए इससे बेटर ऑपरेशन करा लो, है कि नहीं। बेसिक चीज है, अगर नहीं चल पा रहे हो तो कहां मत्थे मारोगे बैठे बैठे, कहां लोगों पे डिपेंड रहोगे, है कि मुझे कोई लेके जाए, कोई मुझे लेकर आए, कोई कोई मेरी सेवा करे, है तो है, लोग नहीं है तो क्या करोगे, ऑपरेशन करा लो, सिंपल है। कम से कम इंजेक्शन लगवाने वाली बात करो, कुछ तो करो। डिड स्टेम सेल थेरेपी वर्क? नो, आई डोंट नो। स्टेम सेल थेरेपी इज स्टिल एन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। मान लो अगर कभी कभार कोई एक पेशेंट में वर्क कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोगों में वर्क करेगी या करेगी ही करेगी। उसको समझना अभी बहुत लंबी चीजें हैं, सो अभी उसमें अभी कोई ऐसी रेगुलर बेसिस पे नहीं आई है। राइट, ये तो हो गया। सर, स्क्वाट लगाते टाइम घुटनों पर टेप लगानी चाहिए क्या? कायदे से नहीं, कायदे से नहीं। जो टेप या घुटने का सपोर्ट पहनते हैं स्क्वाट में, वो इतना ज्यादा वजन यूज कर रहे हैं उनके कि उनको उतना ज्यादा नहीं करना चाहिए कायदे से। अगर आप पावर लिफ्टिंग में हो, पावर लिफ्टिंग, तब आप बिल्कुल करो, क्योंकि तब आपको जॉइंट्स को ब्रेस करना होता है, तब आपको जॉइंट्स को ब्रेस करना है, क्योंकि आपकी मसल्स पे आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स देना है पावर लिफ्टिंग में। बॉडी बिल्डिंग में इसकी जरूरत नहीं है, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में भी जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं। उसको समझने के लिए आप साइंस ऑफ एक्सरसाइज देखो हमारा वीडियो। पावर लिफ्टिंग में जरूरत है। सुबह उठने के बाद आधे घंटे तक नी पेन रहता है, फिर ठीक हो जाता है अपने आप? ये तो भाई थोड़ा सा, अगेन वी हैव टू डायग्नोस। ये हो सकता है ये ना, क्या नाम है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ इशारा कर रहा है। आप एक बार रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाला वीडियो देखो। हाउ मच टाइम कैल्शियम टू टेक फॉर नी? कैल्शियम तो रोज जाना चाहिए, कैल्शियम तो आपके शरीर में रोज जाना चाहिए, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, मरने तक। कैल्शियम 500 मिलीग्राम से लेकर 1500 मिलीग्राम तक रोज जाना चाहिए। अब आप प्रॉब्लम है कि आप लेते नहीं हो, अब दूध भी लेना बंद हो गया। मैं दूध नहीं पीऊंगा जी, क्यों? क्योंकि किसी ने बोला वीडियो में, एक वीडियो देखा था मैंने, उसने कहा दूध बच्चे पीते हैं, बड़े नहीं पीते। अच्छा, जाके देखो अपने पूर्वजों को, कौन दूध पी के, घी, बटर मक्खन, मलाई सब खा पी के जब एक्सरसाइज करते थे। दूध में जो चाहिए वो कैल्शियम है, कैल्शियम वैसी खाना वैसी खा लो, नहीं तो डॉक्टर देगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। कैल्शियम, प्रोटीन, केसिन, विटामिन, सब कुछ है दूध में, पर नहीं पीना मत पियो, आपकी मर्जी है। एनीवेज, तो कैल्शियम जिंदगी भर खाना चाहिए, चाहे आप डाइट में लो चाहे टैबलेट लो, वो आपकी मर्जी है। ओके, 30 मिनट तो हम पूरे नहीं करेंगे भैया, अच्छा टॉपिक है मुझे पता है, मजा भी आ रहा है, मस्ती भी कर रहे हैं, लेकिन 30 मिनट से ज्यादा नहीं, ठीक है। चलो लास्ट में आ गया हूं। ज्यादा रनिंग से मसल बर्न हो सकता है? बिल्कुल होता है, मसल खराब हो सकती है ज्यादा रनिंग से। एक बार में कितना पानी पीना चाहिए? ये क्या बात हुई, एक बार में कितना खाना खाते हो, एक बार में कितना खाना खाते हो ये बताओ। एक बार में मान लो आपने एक पूरा तरबूज खाया, तो उसमें 80-90% पानी होता है ऑफ वेट, वो पूरा पानी पेट में गया ना। तो चाहे मैंने एक पूरा इतना बड़ा तरबूज खाया या इतना एक गिलास एक पूरा पानी पिया, बात तो एक बराबर है। उसमें तरबूज में क्या है, विटामिन ज्यादा है, थोड़े कार्ब्स भी है, थोड़े वो भी है और पानी भी है। 80-90% वेट बाय वेट वो तरबूज पानी है। तो इतना 500 ग्राम पानी पी लिया या 500 ग्राम वो खा लिया, बात तो एक ही है। तो एक बार में कितना पानी पिया, उसका लिमिट क्या हुआ? कुछ नहीं है कि नहीं है? सर, विदाउट सर्जरी माय टीयर मेनिक्स, क्या मेनिक्स विल बी क्योर? नहीं, वो देखो सर्जरी के बगैर टीयर क्योर नहीं होता है जब तक वो बहुत माइनर ना हो। हेलो, हाँ जी, आप वहां पर गार्ड होगा उससे बात करा दो मेरी एक बार, कोई गार्ड है वहां पे? हॉस्पिटल के बाहर थोड़ी आऊंगा यार, आप तो आपको आना पड़ेगा।